नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। और इस वक्त हम हैं अपने होम टाउन जहानाबाद में और हमारे साथ हैं पैसेंजर सरदार जीत। इनका पूरा नाम है जीतू डागर और ये ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पे हैं। तो देखिए इनका ये बोर्ड है और ये फरीदाबाद हरियाणा से निकले हैं और नेपाल कवर करते हुए अभी जहानाबाद के थ्रू पटना से जहानाबाद होते हुए ये गया जाएंगे। और इनसे हम अपने होम टाउन जहानाबाद में मिल रहे हैं तो हम आप लोग को भी मिलवाते हैं इनसे। मिलकर बहुत खुश हैं। तो पहले हम लोग मिलते हैं, तो आपने जो है यात्रा करने के बारे में कब सोचा? मैंने लगभग मेरा जो प्लान बना था वो लगभग एक महीने के लगभग बना था। अभी हम साथ में ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं तो एक दोस्त ने बोला कि कहीं घूमने चलते हैं ऐसे ही। उससे पहले मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा खाटू श्याम जाना मेरे लिए। मेरा वहाँ से खाटू श्याम पड़ता है लगभग 300-350 किलोमीटर। एक तो खाटू श्याम जाना था। बात मेरे दोस्त ने बोला कि खाटू श्याम की जगह आप पैदल ला जाके ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं साइकिल। तो उसने मेरे को ये करने के लिए बोला और वो भी आने के लिए तैयार था। उसे प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं आ पाया। तो इस वजह से मैं अभी सोलो ट्रैवल अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं अब क्या होगा। तो आप जो है हरियाणा से मतलब कब निकले? मैं निकला था 3 जुलाई को निकला। 3 जुलाई। और वहाँ से आप कहाँ कहाँ भी तक जाए? अभी मैं आपका ये मैंने जो एंट्री नेपाल में की तो मैं सोलानी बॉर्डर से होते हुए तानसेन पोखरा और आपका काठमांडू कंप्लीट करने के बाद मैंने इंडिया एंटर किया था रक्सौल बॉर्डर से। रक्सौल बॉर्डर से आप हाँ बिहार आ गया। उसके बाद अभी मैं पटना सिटी बिहार की जो है बाकी अभी मैं जा रहा हूँ झारखंड राज्य। आप रक्सौल से पटना होते हुए फिर गया होते हुए आप झारखंड जाए और झारखंड के बाद आगे आपका क्या प्लान है? मतलब कितने दिनों तक है ऑल इंडिया घूमने? लगभग मेरा एक साल का पूरे टारगेट है। एक साल में पूरा ऑल इंडिया करना है और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने स्टेट में किसी भी स्टेट में उसकी मैं कैपिटल में जाता हूँ। तो आप मतलब ऐसी रात हो जाती है तो रहने का क्या मतलब सिस्टम? रहने का ये कोई पेट्रोल पम्प हो गया या फिर कोई गुरुद्वारा हो गया वहाँ पे मैं स्टे लेता हूँ वहाँ पे मैं। और ऐसे आपने मतलब बजट क्या बना कर चला हुआ कि हमको क्या करना है कितना बजट लेना है या खर्च वगैरह का मेंटेनेंस रास्ते में? वो मेरा अगर महीने का देखा जाए तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये हो जाता है। पर डे का 500 रुपये मानता हूँ खाने पीने का। बाकी इंडिया में मेरे को रहने के लिए कोई रूम वगैरह नहीं लेना पड़ता क्योंकि अपना मैं टेंट वगैरह सारा कुछ हाँ तो इनका अपने टेंट भी और सारा कुछ अपना रहते हैं और लगभग एक साल में पूरे ऑल इंडिया कवर करने के ज़्यादा रखते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप आगे घूमते रहिए इसी तरह से और हमें बहुत खुशी हुई इनसे मिल करके। बने रहिए वीडियो में। हमें मिलकर बहुत खुशी हुई कि ऑल इंडिया घूम रहे हैं और हमें भी घूमने का इरादा है और जैसा कि मैं भी घूमते रहता हूँ समय रहने पर तो बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर।